अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो गए। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है फ्रेंड्स। आज मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है मॉर्निंग से। ये वीकेंड का दिन है और पूरे दिन की शूटिंग करके बस मैंने एक तरफ रख लिया था ताकि मैं आपसे शेयर कर सकूँ कि फ्राइडे का दिन कभी कभी कैसे जाता है। एवरी फ्राइडे सेम नहीं होता, वीकेंड डिफरेंट डिफरेंट तरीके से गुजरता है। ये फ्राइडे सोची कि चलो मैं डोसा बना दूँ, मसाला डोसा। बच्चों को, हस्बैंड को, हमें बहुत पसंद है ये मसाला डोसा, इसीलिए मोस्टली आप देखोगे ना वीकेंड पे मैं कभी ये बनाती हूँ, या बहुत कम वैसे होता है, या छोले पूरी बना लेती हूँ। ये स्पेशल ब्रेकफास्ट होता है जो कि हम कभी कभी वीकेंड पे पसंद करते हैं, वरना मोस्टली तो हम एग्स ही लेते नॉर्मल डेज पे। आपको तो रूटीन पता है अब तो सब कुछ। तो एनीवेज यहाँ पे मसाला डोसा मैंने बनाना स्टार्ट कर लिया है और सबसे पहले मैं हस्बैंड को दे देती हूँ ताकि वो दो छोटे हैं ना उनको फिर एडजस्ट कर लेते साथ में खिला खिला के। ये सारी चीज़ ऐसी है ना फ्रेंड्स, एक साथ बना के फिर साथ में बैठ के खाने में मज़ा नहीं आती। मज़ा किसे नहीं आती, साथ में तो बैठ के खाने में ऑफकोर्स मज़ा आती है, लेकिन ये चीज़ ऐसी है ना फिर नरम हो जाती है। और मसाला डोसा ये घी रोस्ट करके रहता है तो उसमें घी ज़रूर डालना चाहिए ताकि ये क्रिस्पीनेस अच्छी सी आए। एक्चुअली एक से दो तो मैंने ज़बरदस्त से बना लिए थे, फिर दूसरी बार तीसरी बार में क्या हो गया था, थोड़ा है ना ज़्यादा लाल हो गया था, यानी कि एकदम क्रिस्पी बनाने के चक्कर में थोड़ा सा वो डार्क हो गया था। अरशान को भी मेरे बहुत ज़्यादा ही क्रिस्पी मसाला डोसा पसंद है तो इसीलिए मैं पैन पे थोड़ी ज़्यादा देर रखती हूँ ना इस हिसाब से। अब ये देख सकते हो फ्रेंड्स एक तरफ से अच्छी तरह से कुक हो गया है, तो पहले इसे मैं निकाल लेती हूँ स्पैचुला की मदद से या फ्लैट स्पून की मदद से। फिर इस पर आलू का बैटर जो होता है ना, मसाला आलू मैं बना के रख लेती हूँ पहले ही, थोड़ा सा ठंडे हो जाते हैं, साइड में ही बना के रख लेती हूँ पहले, फिर उसे मैं इस पर स्प्रेड कर लेती हूँ। आप रेड चटनी भी स्प्रेड कर सकते हो, जो सूखी लाल मिर्च और लहसुन से बनाते ना वो बड़े मज़े की लगती है इसके साथ, लेकिन है ना मेरे हस्बैंड ये स्पाइस बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो मैं क्या करती हूँ, कभी कभी मेरे लिए बनाना होता तो मैं शेज़वान सॉस लगा देती हूँ, स्पेशली रेड चटनी पीसने नहीं जाती। अम्मी अब्बू जब थे यहाँ पर तो मैं रेड चटनी एक से दो बार बनाई थी जब मेरे इन लॉस थे ना यहाँ पे, क्योंकि फिर उन लोगों को भी देना और उन लोगों को स्पाइस बड़ा ज़्यादा पसंद है तो मेरा एडजस्ट हो जाता था, क्योंकि मेरे साथ कोई रहता था खाने वाला ना स्पाइसी। अभी यहाँ पे ऐसा है बच्चों को भी नहीं समझने आता, ऑफकोर्स बच्चे हैं और हस्बैंड को भी बिल्कुल भी स्पाइस पसंद नहीं है, कोई भी चीज़ स्पाइसी होती तो वो छोड़ देते। तो ये देख सकते हो सिंपल सा बस मसाला डोसा, इसमें आलू का भी बैटर जो है एकदम मामूली सी चिली है, इसमें ज़्यादा कुछ भी एज सच स्पाइस नहीं है। और हमने इसे सर्व किया था वाइट चटनी, कोकोनट की ग्रीन चटनी, और जो नॉर्मल हरा धनिया वाली चटनी बची थी ना वो भी मेरे पास थी, तो बस वो भी मैंने साइड में रख दिया। और ये है सांभर, सांभर मैंने बना लिए थे थोड़े से, बहुत कम बनाती हूँ मैं सांभर, यानी एक बोल भर के बस हो जाए उतना ही, क्योंकि फिर हस्बैंड और मेरे को ही खाली डिप करना होता है ना तो ये वेस्ट होता है इतना सादा, तो मैं थोड़ा ही प्रेफर करती हूँ बनाए ताकि चीज़ें ना ख़त्म हो जाए। अभी यहाँ पर मैं दूसरा बैटर डालने लगी हूँ दूसरा, और ये वाला ज़्यादा लाल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैं बातें भी कर रही थी और अरशान से बात करते करते उसने मेरे को क्या बोला मानो, मम्मी पैन पे रखे रहो ताकि वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो बस इसे मैं बड़े अच्छे से क्रिस्पी कर रही थी, मज़े का था लेकिन थोड़ा सा कलर चेंज हो गया था, लेकिन फिर भी एकदम क्रिस्पी और मज़े का बना था। और ये पैन आयरन का पैन है और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार अच्छे बन रहे थे डोसे। मैं बस ऐसा कभी एक बार बन जाता है फिर कभी बहुत ज़्यादा गैप होता है ना, आई थिंक सो ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि जब भी मैंने नोटिस की हमने काफ़ी गैप ले लिया ना, ये पूरा रमज़ान बना नहीं था फ्रेंड्स मसाला डोसा। ऑफकोर्स सुबह ही खाया जाता है तो ऐसा तो इसका कुछ खाने का टाइम नहीं, आप रात में भी खा सकते हो, लेकिन स्पेशली ब्रेकफास्ट रेसिपी है, साउथ की रेसिपी है तो मज़ा ही आता है सुबह के नाश्ते में। तो क्या हो गया था एक्चुअली, ये गैप हो गया था ना बनाने में, वरना क्या वीकेंड वीकेंड पे एक एक बार बना दिया करो ना फ्राइडेज़ या सैटरडेज़ में, तो ऐसा होता है ना प्रैक्टिस होती है हमें ना, यूज़ टू रहता है। अभी क्या होता है फिर पैन कब से 30-50 दिन हो गया, मतलब ज़्यादा ही ना, रमज़ान फिर ईद भी आ गई तो मसाला डोसा बनाने यूज़ टू ही नहीं हुआ, तो काफ़ी लग जाता था। और इसके पहले भी मैंने आपसे शेयर किया ना, पूरे मसाले डोसे बन गए, पूरे डोसे लेकिन सब जल गए और पूरे घस घस के मेरे को निकालना पड़ा, और वो पता ही नहीं क्या रीज़न था, कुछ समझने नहीं आया, घी का प्रॉब्लम था या फिर पैन से ही कुछ हो गया था या फ्लेम या बैटर का प्रॉब्लम था, जो मैंने ये बैटर बनाया था ना वाइट वाला, मेरे तो समझने नहीं आया क्या था। और अल्हम्दुलिल्लाह वही पैन है, आप देख सकते हो, मम्मी से मैंने ली थी, मम्मी ने मेरे को ये आयरन का पैन दिए थे, कहते को मसाला डोसा बनाना पसंद है बेटा तो मेरे पास पैन है, ख़रीद मत, ये वाला लेके जा, और वज़न भी होता है ना इसमें अच्छा खासा। ये देख सकते हो एकदम क्रिस्पी और एकदम मज़े का ये आला बना है फ्रेंड्स, माशाल्लाह। बच्चे लोग ने भी खा लिया, यहाँ पे कुरान की तिलावत कर रहा है अरशान, इसने भी मोबाइल में डाउनलोड कर लिया ना,
तो उसने बोला मम्मी मैं भी फिर से पारा इसी में पढ़ लिया करूँगा, क्योंकि फ्राइडे के दिन बहुत असकत करते हैं इन लोग ना पढ़ने के लिए, क्योंकि क्या जनाब जी नहीं रहते, हॉलीडे का दिन होता है, तो मोबाइल से क्या एक्साइटमेंट होने लगी कि चलो मोबाइल में पढ़ लेते। फिर ये लोग सूर्य काफ भी हस्बैंड पढ़ लेते, फिर नमाज़ पढ़ के आ गए थे। और ये देख सकते हो पैम्पलेट लेके आया है जिग ने, नीचे बांटते ना मोबाइल, ये मोबाइल बिकता है कभी कभी, कुछ ना कुछ चीज़ें का रहता है ना, जैसे मोबाइल बेचने के लिए कुछ पैम्पलेट आते हैं, कभी ग्रॉसरी बेचने के लिए पैम्पलेट्स आते हैं इस तरीके से। तो जब इनके पैम्पलेट मिले तो बच्चे मेरे ऑफकोर्स घर पर लेके ही आते। यहाँ पर हस्बैंड ने नमाज से आते आते लेके आए थे इतने सारे, आप देख सकते हो खरबूजे, इतने मज़े के मीठे मीठे थे, छोटे छोटे साइज़ के मिनीस एकदम, देख सकते हो बड़े साइज़ के भी है, 5 से 6 थे माशाल्लाह ये। और देख सकते हो एक दो ग्रीन भी और एक दो एकदम ताज़ा एकदम पका हुआ, बस खा लो रेडी टू ईट। तो वेस्ट ना हो, ज़ाया ना हो करके ऑन द स्पॉट हमने लंच तो किया नहीं, ऑन द स्पॉट ये हमने काट के पहले से कंज्यूम कर लिया। नमाज भी हो गई थी, हस्बैंड भी लेके आ गए थे और अजान भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, इतना खेलने लगा ना वो तो ये सब देख के, मेलन्स देख के देखो कितना खुश हो रहा है, उसने पूरा हाथ में ही उठा लिया था और इन्जॉय कर रहा था। असिक फिर इससे ले लेके बस उसको सता रहा है, क्योंकि इसके डैडी ने बोले एक एक करके लेके आ जाओ। मेरी नमाज़ चालू ही थी, बस मैं नमाज ही पढ़ रही थी फ्रेंड्स, लंच बनाने का कुछ भी प्लान नहीं था, क्योंकि इतना हैवी लगता है, हम लोग मसाला डोसा वगैरह खा लेते ना हम, तो हम डायरेक्टली क्या करते इवनिंग में कुछ भी जंक बना लेते, जैसे जंक में कभी कुछ भी हो सकता है, लाइक वो जैसे कुछ भी डिपेंड होता है मन जब होता है। तो आज मैंने प्लान कर लिया था क्या पिज़्ज़ा बनाने, क्योंकि बच्चों को बहुत टाइम से मन हो रहा था पिज़्ज़ा खाने, तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बना लिया, किसी का टिक्का पिज़्ज़ा, किसी का चीज़ पिज़्ज़ा, और हस्बैंड और मेरा तो लोडेड विथ वेजिटेबल्स होते हैं उसमें, काफ़ी अनियंस बेल पेपर्स। अभी मैं आपसे इंशाल्लाह रेसिपी भी शेयर कर दूँगी, काफ़ी आसान है, ऑफकोर्स हर कोई अमूमन लोग अपने अपने घरों में बनाते हैं अपने बच्चों के लिए अपनी फैमिली के लिए, बस उसी तरह से मैंने भी बनाया और हमने लंच नहीं किया आज, बस ये खरबूजा ही हमने खाया माशाल्लाह, देख सकते हो बोल भर के हम सब लोग ने इन्जॉय किया, हेल्दी भी रहेगा और इतनी भूख भी नहीं थी, 2 बज रहे थे और नाश्ता करते करते हमें 10:30 हो गया था। फिर ये लोग कुरान शरीफ पढ़ के नहा धो के पूरा बच्चों को फ्रेश कर दिया मैंने, सबको कुर्ता शलवार पहना दिया, सब नमाज़ पढ़ के बच्चे आ गए। उसके बाद हमने बस यही ले लिया था मेलन्स, और इवनिंग में मैंने पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट किया था ताकि वो डिनर ही हो जाए एक ही बार में, लंच हमने स्किप कर दिया क्योंकि ये फ्रूट्स ही कंप्लीट हो जाते हैं ना, हेवी होता है इसमें, बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है, गर्मी भी इतनी हो गई है, तो मैंने ली चलो अच्छा यही खा लो तो पेट भी थोड़ा हल्का रहेगा, क्योंकि मसाला डोसा भी है ना जो फ्रेंड्स वो राइस के होते, तो वो राइस ही था समझो सुबह सुबह ही नाश्ते में, अब वो फॉर्म कोई भी हो लेकिन है तो वो राइस ही ना, अब ऐसे नॉर्मल राइस नहीं खाया जाएगा लेकिन वो मसाले डोसे में था तो माशाल्लाह समझो खाया चला जाता है। अब ये अरशान को बिल्कुल भी मेलन्स नहीं पसंद है, तो हस्बैंड उसको बोल रहे मैं तुमको एकदम मीठा वाला देख के खिला रहा हूँ, चुपचाप से खा लो, और वीकेंड है और मेरे बच्चों को फ़ोन मिलता है, फ्राइडे के दिन इनका ऑफ रहता है, स्कूल्स का ऑफ, जनाब जी भी नहीं आते, तो बस हम इन्हें फ़ोन लैपटॉप जो भी है इनकी स्क्रीन टाइम चलती है, बाकी 8 दिन अल्हम्दुलिल्लाह 5 दिन 6 दिन हम इन्हें स्क्रीन नहीं देते बिल्कुल भी, हमने रूल्स बना लिए घर के, क्योंकि हमेशा से बेटर है कि बच्चों को हम अपने खुद के कंट्रोल में रखो। शुरू में बहुत सताएगा आपको लेकिन फिर धीरे धीरे यूज़ टू हो जाएगा, बच्चों को पता हो जाएगा घर का ये रूल है तो उन्हें फॉलो करना ही है, इसीलिए आप भी बच्चों को अगर ज़्यादा स्क्रीन टाइम देते तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, धीरे धीरे कम कीजिए, एकदम से भी छीन लोगे ना तो बच्चे नहीं मानेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ गई थी मैं, चिकन को कट करने लगी थी, होल चिकन था तो इसमें से ब्रेस्ट पीस मैंने निकाल लिए और इसमें मैं छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी, मैंने मैरिनेट करके डायरेक्टली लगा दिया था चिकन, क्योंकि मैंने एयर फ्रायर में बनाया है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी मैंने मैरिनेट करके चिकन को पहले कुक किया है ऐसे नहीं है, ये मैंने डायरेक्टली देख सकते हो ये छोटे छोटे पीसेज है, बस इसे मैं हल्का सा मैरिनेट करके डायरेक्टली पिज़्ज़ा पे लगा दूँगी। चिकन होल भी मिलती है, आप कटवा के भी ले सकते हो, ये होल चिकन था तो देख सकते हो आप, ब्रेस्ट मैंने निकाल लिया अलग और ये थाइस पीस वहाँ पर बोन्स वाला साइड में रखा है, नेक्स्ट टाइम मैं इसे भी यूज़ कर लूँगी ऐसा है। तो मुझे छोटे छोटे पीसेस चाहिए पिज़्ज़ा में, क्योंकि ये चिकन मैं अनकुक डालने वाली हूँ ना ताकि ये एयर फ्रायर में ही सॉफ्ट हो जाए, और काफ़ी मैंने मीडियम से छोटे क्यूब्स रखे, ये देख सकते हो फ्रेंड्स, बस ये साइज़ के मैंने चिकन को कट करके रख लिया है, वॉश भी कर लिया है अच्छी तरह से पानी से पहले, अखे चिकन को ही पहले तो मैंने वॉश कर लिया था ताकि पानी बिल्कुल भी रहे ना, फिर सूखा सूखे से मसाला ना बड़ा मज़े का और अच्छे से लग जाता है, प्रॉब्लम नहीं होती है। इसे मैंने मैरिनेट किया क्या, सिंपल से मैंने सॉल्ट डाला है फ्रेंड्स, देख सकते हो ये पिज़्ज़ा सॉस है, 1/2 टीस्पून बस इतना मैं डाल दूँगी ताकि ज़्यादा स्पाइसी ना हो, और इसमें मैं थोड़ा सा स्पाइस बढ़ाने के लिए हल्का सा रेड चिली पाउडर डाल दूँगी, देख सकते हो बहुत मामूली सा, क्योंकि बच्चों ने ऑफ़ कोर्स खाना है, उनका फेवरेट है, बच्चों को नहीं दूँगी ऐसे तो हो नहीं सकता,
तो ख़ास उनके लिए बनाया, बस झटपट से बनाया। इसे कोई मैंने लंबा प्रोसेस करके मैरिनेट नहीं किया, टिक्का विक्का फॉर्म नहीं किया, एकदम सिंपल से और झटपट से ये पिज़्ज़ा बन गए थे घर में, और एकदम आसानी से बच्चे लोग ने भी कंज्यूम कर लिया। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में। ये मैंने ओपन कर दिया है पिज़्ज़ा क्रस्ट, इसमें देख सकते हो ये है पिज़्ज़ा बेस, आप इसे बेस भी कह सकते हो। इतना स्पॉन्ज, और देख सकते हो कितना मुलायम था, ये एकदम फ्रेश थे, और इसमें 4 से 5 क्रस्ट रहते हैं आराम से। मतलब मीडियम साइज़ का है रेगुलर पिज़्ज़ा। और यहाँ पे मैंने लगा दिया है सबसे पहले इस पर पिज़्ज़ा सॉस। आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं तो मैं आपको अच्छी टिप देती हूँ, एक आप केचप ले लें, उसमें थोड़ा सा आप ब्लैक पेपर डाल दें, उसमें थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डाल दो, नहीं तो चिली फ्लेक्स भी आप डाल सकते हो, और ऑरिगेनो डाल को इस तरह से मिक्स कर लो, आपका पिज़्ज़ा सॉस घर में तैयार। मेरा जब ख़त्म हो जाता है तो मैं स्पेशली पूरी बॉटल नहीं मंगाती, मैं कभी कभी इसी तरह से एडजस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि पिज़्ज़ा हमेशा नहीं बनता घर पे, बहुत कभी कभी ओकेशनली बनता है ऐसा है। तो ये जो मेरा पिज़्ज़ा बेस है ना, वो भी मेरा कभी बचता है तो मैं फ्रीज़र में रख लेती हूँ, और मेरा पिज़्ज़ा सॉस तो मैं हमेशा से ही फ्रीज़र में रख देती हूँ, क्योंकि बैक टू बैक नहीं यूज़ करती हूँ ना मैं। अभी एक वीक में बना तो फिर अगले 2-3 वीक छोड़ने के बाद ही फिर मैं बनाती हूँ, मंथ में एक बार बन जाता है समझो। अब मैंने क्या किया, पिज़्ज़ा सॉस डालने के बाद थोड़ा सा मैंने मोज़रेला पूरी तरह से ना बीचों बीच में अच्छे से लगा दिया है, ताकि वो अच्छी सी ना उसकी ये तार बने, मज़ा लगता है फिर वो खाने का, बच्चों को ना खींचने में मज़ा आती है फिर। अब मैंने क्या किया फ्रेंड्स, जो चिकन है जो मेरा कच्चा है, और ये बिल्कुल कच्चा नहीं रहेगा, सोचना मत कच्चा चिकन खा रहे, ये पूरी तरह से 12 to 15 minutes एयर फ्रायर में रहेगा और चिकन भी पूरी तरह से कुक हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बच्चों के लिए ये बन रहा है, इसमें मैं कोई सब्ज़ी नहीं डालूँगी, बिल्कुल भी बेल पेपर्स नहीं डालने वाली, बिकॉज़ दे हेट बेल पेपर्स ना, उन्हें पसंद नहीं आती, मुँह में आती है, तो इसीलिए मैंने इसमें सिर्फ चीज़ लोड किया है और चिकन अच्छे से डाल दिया है, ताकि बच्चे आराम से इन्जॉय कर लें मोज़रेला। एंड में नहीं बचती है तो मैं क्या करती हूँ, स्लाइस चीज़ डाल देती हूँ, अगर मैं और हस्बैंड खा रहे ना पिज़्ज़ा, तो मोज़रेला मैं बच्चों को ही डाल के दे देती हूँ, क्योंकि उन्हें इसका खाने का फिर अलग ही मज़ा आएगा। ये देख सकते हो बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है डालने में, अच्छी तरह से आपको पूरा कवर कर लेना है चिकन को, और मैं यहाँ से प्लेट में डाल दूँगी एक, ताकि आराम से अभी मैं उसमें डाल दूँ एयर फ्रायर में। एयर फ्रायर को मैंने रख दिया था प्री हीट होने फ्रेंड्स, अच्छी तरह से वो प्री हीट हो जाएगा ना, 3 से 4 मिनट आपको प्री हीट करना है, प्री हीट का ऑप्शन आपको लिखा मिलेगा, बस आपको प्री हीट प्रेस करना है और उसे प्री हीट होने देना है 3 से 4 मिनट के लिए। अब मैं यहाँ पे दूसरा पिज़्ज़ा बना रही हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने डाल दिया है फिर से पिज़्ज़ा सॉस, और इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है, थोड़ा सा ना पिज़्ज़ा सॉस बाहर आने देना है, ये जो एंड है ना इतना प्यारा सा लाल लाल कलर होता है ना, थोड़ा सा जो ब्राउनिश होता है ना, वो पिज़्ज़ा सॉस की वजह से होता है, अगर आपका पिज़्ज़ा सॉस बाहर नहीं आएगा ना तो फिर दिखने में मज़ा नहीं आता फ्रेंड्स। अब क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पे भी चिकन लगा दे रही हूँ अच्छी तरह से। अरशान आ गया था एक्चुअली बीच में पूछने कि मम्मा कैमरा भी ऑन है क्या, और तुम पिज़्ज़ा बना रही हो, कब बनेगा, कितना टाइम लगेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, बच्चे किचन में बार बार आ जाते हैं पूछने जब उनकी फेवरेट कुछ चीज़ बनती है ना, तो बड़े एक्साइटेड होते हैं, और फिर लंच भी नहीं लिए थे तो ऑफकोर्स बच्चों को भूख लगी रहती है, तो उन्हें ऐसा है ना कि कब जल्दी से उनकी फेवरेट चीज़ मंगाई ली जाए। अभी यही चीज़ बाहर जाके ले लेंगे, कितनी एक्सपेंसिव पड़ती है, थोड़े से सामान लेके घर में हमारे 4 से 5 रेगुलर पिज़्ज़ा आराम से बन जाते हैं। आप देख सकते हो ये मोज़रेला का एक पैकेट लग जाता है, और 4 से 5 पिज़्ज़ा, 3 पिज़्ज़ा आप अपनी सहूलत के हिसाब से जितनी फैमिली मेम्बर्स है आराम से आप बना सकते हो। यहाँ पे मैंने बेल पेपर ले लिया है एक फ्रेश, और उसे मैंने वॉश कर लिया है। क्या करूँगी मैं, थोड़े से इस पर बेल पेपर्स डाल दूँगी चॉप की हुई, और प्याज भी हम डाल सकते हैं, बहुत से लोग टमाटर भी डालते हैं, मैंने 1 से 2 बार डाली थी टमाटर, फिर बाद में मैं नहीं डालती, बस कभी कभी कलर के लिए मैं डाल देती थी, लेकिन उसका जो पानी फिर रिलीज़ होता है ना तो मज़ा नहीं आता, गीला गीला सा हो जाता है। तो हाँ, अगर आपको बहुत पसंद है तो आप डीसीड करके उसे बेशक डाल सकते हो, एज सच कुछ भी इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फिर इस पर मैंने थोड़े से बेल पेपर्स लगा दिए कि हस्बैंड और मैं ये वाला खा लेंगे पिज़्ज़ा, बच्चों के लिए वो वाला मैंने रेडी रखा है, वहाँ पर प्री हीट हो रहा है मेरा जो अवन है, अवन में तो नहीं डाला है मैंने, एयर फ्रायर में डाला है, अवन में भी डाल सकते हैं लेकिन अभी मुझे एयर फ्रायर ज़्यादा ईजी होता है ना, तो बस मैंने एयर फ्रायर को प्री हीट कर लिया है, क्योंकि वही रिज़ल्ट आता है ऑलमोस्ट, बहुत प्यारा सा कलर आता है, जो मोज़रेला मेल्ट होती है ना और जो उस पर कलर आता है रेड सा, तो बड़ा मज़ा आता है और बड़ा खूबसूरत भी लगता है, एकदम बाहर का नॉर्मल सा जैसे हम पिज़्ज़ा खाते हैं ना वैसे टाइप का लगता है। और उसकी बेस भी आपके ऊपर है, अगर आपको क्रस्ट क्रिस्पी करना है तो आप क्रिस्पी भी कर सकते हो फ्रेंड्स, अगर आपको सॉफ्ट रखना है तो नॉर्मल से उसमें लिख के आता है कि 12 मिनट्स के लिए 160 डिग्री पर आप पिज़्ज़ा का ऑप्शन बस प्रेस कर दें, तो आपका आराम से पिज़्ज़ा बन के रेडी हो जाएगा।
यहाँ मैंने थोड़ा सा और फ्लेवर्स एनहांस करने, मैंने ली ना हम लोग लोड कर देते वेजिटेबल से, हमें तो बड़ा मज़ा आता है हस्बैंड और मेरे में, तो अनियंस बेल पेपर्स ना हो ऐसे तो चलता ही नहीं है। चीज़ और चिकन का बच्चों के लिए मैं बना देती हूँ, और ये भी पिज़्ज़ा मेरा रेडी हो गया। ऑलिव्स मेरे पास नहीं है वरना मैं ऑलिव्स भी ज़रूर डालती थी। ये दोनों पिज़्ज़ा मेरे रेडी है, अब बस मैं फटाफट से एयर फ्रायर गर्म हो गया उसमें डाल दूँगी, फिर बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खा लेंगे। बस हमारा यही है आज का लंच और डिनर एक साथ, जो हमने खाया पिज़्ज़ा। ओरिगैनो आपके पास है तो ज़रूर थोड़ा स्प्रिंकल ज़रूर कीजिए। और यहाँ बेस में मैंने लगा दिया है बटर पेपर। बटर पेपर लगाना ऐसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या नीचे चीज़ वगैरह कुछ मेल्ट होकर जाती है ना, तो इसे वॉश नहीं करना पड़ता। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे से संभालते हुए मैंने एयर फ्रायर में डाल दिया है। देखिए अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है ना, तो आप इसे स्किप कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली आप एयर फ्रायर में डाल दीजिए, और एयर फ्रायर यूज़ करना भी बहुत ईजी है। ये देखिए 12 मिनट में आपका पिज़्ज़ा मज़े का एकदम रेडी है। कलर देखिए कितना खूबसूरत है फ्रेंड्स, और चीज़ जो मेल्ट हुई है ना मोज़रेला, उसके ऊपर जो कलर आया बहुत ब्यूटीफुल, मज़े का भी था, खाने का भी इतना टेस्टी था, मतलब खाने के लिए भी बच्चे लोग ने तो बहुत माशाल्लाह एंजॉय किया। और ये देखिए मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल भी क्रंची नहीं किया है मैंने। हस्बैंड और मुझे क्रिस्पी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम थोड़ी देर और रखते हैं। तो मैंने क्या करने लगी अभी मालूम, थोड़ी देर और रख रही हूँ ना, तो क्या होता है चीज़ ज़्यादा कुछ ओवर रेड हो जाती है, तो मैं क्या करती हूँ फ्राइंग पैन पर स्लो फ्लेम पर रख देती हूँ। और अवन में आप क्रिस्पी कर सकते हो, एयर फ्रायर में क्रिस्पी नहीं होता, कलर बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। ये देख सकते हो कितने आराम से मैंने इस पर निकाल के प्लेट में निकाल दिया है, कट भी कर लिया है इस तरह से पीसेस में, और देखिए चीज़ कितनी अच्छी से मेल्ट हुई है। इतना माउथ वाटरिंग, इतना टैम्पटिंग था कि मैं क्या बताऊँ। ये देख सकते हो फ्रेंड्स कितना सॉफ्ट है देखिए, और कितना लाजवाब खूबसूरत, खाने में भी देखिए कितना मज़े का था। इतना गर्म मुझे चटका लग रहा था, लेकिन आपको दिखाना ज़रूरी था, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत कस के भूख लगी हुई थी और मुझे उन्हें फ़ौरन से देना था। माशाल्लाह से आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो ज़रूर एयर फ्रायर में बनाइए, और इसे इन्जॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। काफ़ी आसानी से बन जाता है फ्रेंड्स, इतने ज़्यादा पैसे ज़ाये भी नहीं होते। यही हम बाहर अगर डाल दें तो कितना पैसा चला जाता है। ये देख सकते हो फ्रेंड्स, ये प्याज वाला और ये वाला बच गया था, सेव हो गया, हस्बैंड ने खाया नहीं तो मैंने रख दी, और इसमें चीज़ स्लाइसेस डाली मैंने। अगर आपके पास नहीं है तो ऐसा सच कोई मुश्किल नहीं है, आप चीज़ स्लाइसेस से भी बना सकते हो। मोज़रेला ज़रूरी नहीं कि मोज़रेला नहीं है तो आप पिज़्ज़ा नहीं बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। और देखिए इसे स्टोर करने का तरीका, आपको फॉइल पेपर पर लेके इसे अलूमिनियम फॉइल में ठंडा होने के बाद इस तरह से आपको इसे पैक कर लेना है। बटर पेपर को मैंने यूज़ कर लिया है, उसके ऊपर रख दिया ताकि चीज़ मेरी ख़राब ना हो बिल्कुल भी, और नेक्स्ट डे से माइक्रो कर। बस फ्रेंड ये है आज का व्लॉग, प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।